दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द ग्रेट खली के बारे में। द ग्रेट खली ऐसा नाम है जिसने देश विदेश के सभी पहलवानों के छक्के छुड़ाए और रेसलिंग के खेल में भारत का भी नाम रोशन किया। द ग्रेट खली ने जॉन सीना और ट्रिपल एक्स जैसे खूंखार रेसलर को हराकर 2007 और 2008 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन अपने नाम किया। आज की वीडियो में हम खली के बारे में ऐसी मजेदार बातें बताने वाले हैं कि आपके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलेगा, वाओ, फैंटास्टिक। किया, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, खली का जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। द ग्रेट खली के नाम से मशहूर रेसलर का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। इनके पिता का नाम ज्वालाराम था, जो खेतों में काम करके अपना घर चलाते थे। दिलीप सिंह राणा रेसलिंग में आने से पहले पंजाब पुलिस में काम किया करते थे। इनका सीना 63 इंच का है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। द ग्रेट खली खाने पीने के मामले में भी और पहलवानों से बिल्कुल अलग है। खली पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी है। ये भोजन में नॉनवेज से बिल्कुल दूर ही रहते हैं और साथ ही शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाते हैं और ड्रग्स लेकर लड़ने के मामले में भी खली का रिकॉर्ड साफ सुथरा है। ये तंबाकू को कभी हाथ तक नहीं लगाते हैं। खली रेसलिंग की दुनिया में सबसे लंबे हैं। इनकी हाइट 7 फुट 1 इंच है और इनका वजन लगभग 160 किलोग्राम है और वे हमेशा इसे मेंटेन रखते हैं। दिलीप सिंह राणा एक किसान थे। ये अपने पिता के साथ किसानी किया करते थे। आज से लगभग 19 साल पहले यानी सन 2000 में रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा। 2 जनवरी 2006 को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले पहले भारतीय रेसलर बने। इसके बाद इन्होंने अंडरटेकर जैसे ताकतवर रेसलर को 10 मिनट में हराकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद कई सालों तक खली का दबदबा कायम रहा और इन्हें बहुत सारा प्यार और पुरस्कार मिला। दोस्तों, WWE में सफर शुरू करना काफी मुश्किल काम है, लेकिन खली ने दिखा दिया कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना